नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से आज की कुछ खास खबरें। श्री चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में मोतियाबिंद का निःशुल्क इलाज के लिए लगाया गया शिविर। मोतियाबिंद और नाखूना का निःशुल्क ऑपरेशन कैंप श्री चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट साहू चौक के तत्वाधान में निःशुल्क शिविर का उद्घाटन डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव एडिशनल सिविल सर्जन के द्वारा किया गया। मैं नंद किशोर आर चतुर्भुज राम आई कैंप के तरफ से ये 1983 में कैंप स्टार्ट हुआ, ये आई कैंप स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे ट्रस्टी श्री ललित कुमार आर्य, श्री पन्ना लाल आर्य जी, श्री अवंती लाल आर्य जी, ये लोग ट्रस्टी थे, मेन ट्रस्टी थे जिन्होंने इनको इस कैंप को स्टार्ट किया। अब दुर्भाग्य ये है हम लोगों का, इस ट्रस्ट का, कि अपना हम लोग के बीच श्री ललित कुमार आर्या रहे हैं, न श्री पन्ना लाल आर्या रहे हैं, न श्री अवंती लाल जी रहे हैं, और इस ट्रस्ट जिस कारण 81 साल बाधा भी उत्पन्न हुआ, चूँकि ट्रस्टी लोग कैंप के समय ही इस तरह का वो दुर्घटना हो गया, तो काफ़ी हम लोग दुखी भी रहे। लेकिन इस साल जो है कि श्री हृदय नारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस ट्रस्ट को फिर मतलब दोबारा स्टार्ट किया। 1-2 साल गैप हुआ, बीच में 2 साल गैप हुआ, स्टार्ट किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, चूँकि हम लोग डर भी रहे थे कि हमारे पुराने ट्रस्टी अभी नहीं रहे जिन्होंने इनके इसमें फाउंडर्स के रूप में इन्होंने न्यू डाला, और तो डर भी रहे थे कि भाई इस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, चूँकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही, आप लोग का आशीर्वाद ऐसा रहा कि ये कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। इस समय समझ लीजिए कि 130 पेशेंट का ऑपरेशन। शिविर में कुल 458 मरीजों का नामांकन कर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी सहाय सिन्हा के द्वारा मरीजों के आंखों की जांच की गई। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर, डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर विजय कुमार एवं डॉक्टर रितेश चरण के द्वारा रक्तचाप, मधुमेह और पेशाब की जाँच कर जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क लेंस लगाई गयी। मोतियाबिंद नाखूना के मरीजों को ऑपरेशन के बाद निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था की गई थी। ट्रस्ट में भर्ती मरीजों के आंख का ऑपरेशन डॉक्टर सलभ सिन्हा MBBS, MS, DNB, OPITH एवं डॉक्टर पल्लवी सहाय सिन्हा MBBS, DNB, OPITH के द्वारा की गई। निःशुल्क शिविर में कई जिलों से मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली एवं अन्य गांव से आए मरीजों के आंख का ऑपरेशन किया गया। इस अवसर पर श्री चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्य सहित सभी सेवादार उपस्थित थे। मैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, मैं नई दिल्ली मेट्रोलय में चीफ कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एंड सर्जन हूँ, और कुछ चैरिटेबल संस्थान से जुड़ी हूँ, जैसे यहाँ पे चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट है, यहाँ पे मैं फ्री OPDs करती हूँ, और साल में एक बार जो यहाँ पे ट्रस्ट का कैंप लगता है, यहाँ पे हम लोग अपनी सेवा देते हैं, जो फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज करवाते हैं उनके यहाँ, हम लोग यहाँ पे अपना ऑपरेशन काफ़ी करते हैं मरीजों की। इस 4 दिवसीय कैंप में एक्चुअली फर्स्ट 2 डेज तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है, जिसमें कि लगभग 550 पेशेंट्स आए थे अलग जगह जगह से, काफ़ी गांव से, दूर दराज से पेशेंट्स थे, जिसमें मोस्टली कैटरेक्ट पेशेंट थे, नखना के पेशेंट थे, काला मोतिया के मरीज थे, और कुछ ऐसे मरीज थे जिनका जन्मजात रोग था जो कि ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन इस जगह के लिए और हम लोगों में उनकी इतना जो विश्वास है, इस वजह से वो लोग दूर दूर से आए कि शायद उनके आगे ठीक हो जाए। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको दवा देकर भेज दिया गया घर, और हम लोगों ने जिनको छांटा है ऑपरेशन के लिए, और कल और परसों उनका सर्जरी किया गया, उसमें मोस्टली जो मोतियाबिंद के मरीज होते हैं, कैटरेक्ट पेशेंट और नखुना के पेशेंट कुछ थे, कुछ काला मोतिया के पेशेंट्स थे, मोस्टली कैटरेक्ट पेशेंट थे जिनको लेंस लगा के हम लोगों ने SICS विधि से, जिसको मैनुअल फेको भी कहते हैं, जिसमें कि टाका नहीं लगाया जाता, छोटा सा चीरा दिया जाता है जो कि अपने आप सील हो जाता है, इस विधि से हम लोगों ने सर्जरी की है, और उसका सर्जरी करके हम लोगों ने आज डिस्चार्ज किया है पेशेंट्स को। पेशेंट्स को चश्मा, दवा, सारे एडवाइस के साथ 2 दिन रखा गया था, और आज उनको हम लोगों ने डिस्चार्ज किया यहाँ से।
जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं उन लोगों को हम लोगों ने बताया कि ऑपरेशन केवल कर देना या करवा लेना ही सब कुछ नहीं होता, अब ये उनका दायित्व बनता है कि उनकी आँखों को वो कैसे बचा के रखें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से, गंदगी से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आँखों को कैसे वो साफ रखें, रुई का इस्तेमाल करें, स्टरलाइज करके रुई को या टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करें, कोई शॉल से, गमछा से, साड़ी से अपनी आँखों को साफ ना करें, आँखों को गंदे हाथों से ना छुएं, हाथ को जो ड्रॉप्स इस्तेमाल करना है उसके टिप्स को ना टच करें या फिर गंदे हाथ से आँख को ना छुएं, इसके लिए जो आजकल हैंड सैनिटाइजर आते हैं या लाइफ बॉय साबुन या कोई भी इस तरह का एंटीसेप्टिक यूज करके अपनी आँखों को साफ करके ड्रॉप्स को डालना है, बाल को साफ रखना है, चेहरे को साबुन से या से टॉवल से साफ करके रखना है। बहुत लोग नहाते नहीं है, गंदगी मेंटेन करते हैं, तो गर्दन के नीचे नहाना अलाउ कर देते हैं पेशेंट्स को, नॉर्मल खाना पीना अलाउ करते हैं, घूमना टहलना अलाउ करते हैं, तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं और दाढ़ी बनाना अलाउ करते हैं। तो किस तरह से उनको अपनी आँखों को बचाना है, दवा कैसे रखनी है, क्या क्या करना है, बहुत अभी स्ट्रेनस वर्क या बहुत वजनी काम जो करना होता है वो अभी मना रहता है कुछ दिन तक, 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनको बुला के हम लोग फॉलोअप में देखेंगे। तब तक किस तरह दवाई रखना है और आँखों को कैसे पानी का छक्का नहीं मारना है या आँख को मलना नहीं है, इन सब चीज़ों का थोड़ा एहतियात रखना होगा। मुजफ्फरपुर न्यूज़ जो हमारे तक पहुंचा है और उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट्स अभी ऑपरेट करवा के जा रहे हैं वो लोग अपना, अब उनकी दायित्व बनती है कि अपनी आँखों को बचाएं और जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं वो उनको फॉलो करें और अब आँखों को अपना संभाल के रखें। अभी जो मौसम है इसमें एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, होली भी आ रहा है तो एलर्जी का मौसम है, तो अभी जब भी घर से बाहर निकले एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा के निकले, एलर्जिक ड्रॉप्स बाजार में मिलता है उसको इस्तेमाल करें, झोला छाप डॉक्टर वाला जो ड्रॉप होता है वो इस्तेमाल ना करें, वो बहुत नुकसान करता है आँखों में। होली में जो रंग होता है वो केमिकल वाला रंग ना इस्तेमाल करें, हर्बल कलर इस्तेमाल करें और आँख में गलती से कुछ भी चला जाए तो उसको मले नहीं, काफ़ी पहले पानी से वॉश करें आँखों को और तब किसी अच्छे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को मिलकर ही कोई ड्रॉप यूज़ करें। कोई भी ड्रॉप अचानक आँखों में ना डाल लें, क्योंकि अगर एक बार आँख में इन्फेक्शन या मवाद चला गया तो आपकी आँखों में परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है। और मैं लास्ट में मुजफ्फरपुर न्यूज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इसको कवर किया और आँखों के अवेयरनेस को जन तक और नॉर्मल पब्लिक तक पहुँचाने का ये बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।